तो चलिए आज हम बात करते हैं OnePlus के ऊपर, OnePlus Nord C4 के बारे में बात करते हैं। ये फ़ोन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था बट हमने वीडियो नहीं की थी। प्राइस रेंज में ये आता है 125 के, तो वीडियो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे बेहतरीन स्पेक्स इसमें देखने मिलते हैं। 125 के कम फोन्स हैं, दो तीन फोन हैं, बैथिंग फोन 2 है, फिर उसके बाद OnePlus Nord C4 है। तो ये दो फोन से जो कंपैरिजन है बेहतरीन है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा Nord C4 थोड़ा सा ऊपर आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, Nord C4 के बारे में सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start the video. तो सबसे पहले हम इसके डिजाइन से बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे पीछे नॉर्मल डिजाइन देखने मिलता है, थोड़ा सा क्लाउडी डिजाइन रहता है, उसमें व्हाइट आपको क्लाउड्स देखने को मिलता है, तो अच्छे डिजाइन ऑप्शन देखने मिलते हैं। कैमरा बात करें तो दो कैमरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, दो कैमरा मॉड्यूल है, उसके नीचे आपको रिंग लाइट की तरह आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि फ्लैश अच्छा देखने को मिलता है, LED फ्लैश आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो इस तरह के कुछ डिजाइन है, नॉर्मल डिजाइन है, अच्छे डिजाइन है। तो बेहतरीन डिजाइन, ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो अच्छी डिजाइन ऑप्शन देखने मिले। देखते हैं अगर हम डिस्प्ले की तरफ, तो आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने मिलते हैं, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने मिलती है। तो अच्छी ब्राइटनेस है, अच्छा डिस्प्ले ऑप्शन आपको देखने मिलता है। इफ़ यू कंज्यूम मल्टीमीडिया तो आपको अच्छा डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलता है, बड़ा डिस्प्ले है एंड अच्छा डिस्प्ले आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। अगर हम परफॉर्मेंस की तरफ, तो आपको यहाँ पर 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने मिलता है, LPDDR4X रैम मिलता है, UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है, 12GB 256GB का वेरियंट मिलता है। तो अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो अच्छे गेमिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, अच्छे गेमिंग आप कर सकते हैं। अगर अंतुतु स्कोर की बात करें तो 8.5 लाख के ऊपर आता है, तो ये चीज जो होती है वो बेहतरीन होती है। 10,000-10,500 के जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उसमें ऐसे अंतुतु स्कोर आते हैं, तो यहाँ पे आपको 8.5 लाख का अंतुतु स्कोर मिलता है। तो अच्छे फोन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अंडर 30 के, अंडर 25 के। बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं जो अंडर 25 के में अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, उनमें से एक ये भी है OnePlus Nord C4। अगर आपको OnePlus का फोन पसंद है, अंडर 25 के का बजट है, तो आप जरूर इस फोन को चेक करिएगा एक बार। और स्पेक्स की बात करें तो आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिलते हैं, उसके बाद आपको IP54 की रेटिंग देखने मिलती है, वो भी सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलती है। एंड उसके बाद ऑक्सीजन OS 14 पे आता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे, तो वो भी अच्छी चीज है, जिसमें 2 साल का मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हम कैमरा की तरफ, जिसमें दो कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है, जो माइक्रो डेप्थ वगैरह होता है वो नहीं है, जो कि अच्छी चीज है। आपको भी आई थिंक सुनने में अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगता है जिसमें माइक्रो डेप्थ नहीं होता है। एंड ये चीज सभी ब्रांड्स को अपने फोन के साथ मेरे हिसाब से करना चाहिए एंड बढ़िया लगता है वो चीज़। तो यहाँ पे वो चीज नहीं मिलती है, जो कि अच्छा। दो कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, एक प्राइमरी कैमरा एंड दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने मिलेगा। प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, जिसमें सोनी का सेंसर लगा हुआ है LYT 600, जो कि पता है कि सेंसर अच्छा है, फोटो अच्छी आती है, बिकॉज सोनी का जो LYT 600 का कैमरा है वो और भी फोन्स में है जो कि बढ़िया है एंड अच्छी फोटोज आपको देखने मिलती है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने मिलता है, जो कि अच्छी फोटोज उसमें भी मिलेंगी। अल्ट्रा वाइड ऑप्शन है, ये भी एक अच्छी चीज़ है एंड होना भी चाहिए, अंडर 25 के में रहता ही। उसके बाद सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप 4K 30 FPS तक कर सकते हैं, 4K कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। यस, ये था इस फोन के बारे में सब कुछ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड धमाकेदार वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।